रहे हैं मास्टर टीवी, मैं हूं अयाज मोरस और आपको प्रोग्राम बातों बातों में खुशामदीद कहता हूं। आज बातों बातों प्रोग्राम का कुछ डिफरेंट नौयत का सेटअप है। आज मैं ऑनलाइन सेशन ये रिकॉर्ड कर रहा हूं और मेरे लिए खुशी की बात है कि आज जो बातों बातों में मेरे साथ शख्सियत है, उन्होंने बहुत मेहनत की, तालीम हासिल की और एक गाँव से निकल कर आला मैदान में तालीम हासिल की और फिर तालीम के शोबे से वाबस्ता रहे, बहुत सारे लोगों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया और आज वो मेरे साथ मौजूद है। आज मेरे साथ प्रोग्राम बातों बातों में जनाब यूसुफ अनवर साहब कैनेडा से मौजूद होंगे। सर, हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप अपने प्रोग्राम में बुलाएं। मेरे मैसेज तो उनका नफरत के लिए है, उनका कंसर्न है, उनको पहुँचाना का मौका दो, उनको मौका दिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। जैसे सर आप जानते हैं, मैं इस प्रोग्राम में जो मेरे गेस्ट होते हैं मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, तो आपका भी क्योंकि ताल्लुक एक बड़ा हमारा जो नाता है वो एक ही गांव से है और इस हवाले से भी हमारा जो एक वो है ताल्लुक है, हम उस हवाले से भी एक जो है वो हमारे इस ताल्लुक को हम एक गांव की वजह से भी ताल्लुक है, तो मैं वो तो स्टोरी जो है वो आपसे पूछूंगा। तो मैं आपकी जो है वो जिंदगी की स्टोरी सबसे पहले कि जो आपका सफर शुरू हुआ जिंदगी का और गांव से आपने जो आगाज किया, फिर उसके बाद तालीम हासिल की, ग्रेजुएशन की, फिर तालीम के शोबे से व्यवस्था हुए, शहर गए और उसके बाद जो है वो बेगुने मुल गए, तो इस कहानी के मुतालिक बताइए। मैं शुरू करूंगा शुरू से, तो ये है कि उनका शुक्र है कि हम उस गांव में पैदा हुए जहाँ तालीम की सहूलत मौजूद थी, हाई स्कूल मौजूद था और दूसरी सहूलियात भी मौजूद थी। तो यह है कि शुरू शुरू में एजुकेशन के साथ इतना कोई लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ते दढ़ते जो है ना वो आठवीं पास की, नाइन्थ तक पहुँचे। और फिर मैंने क्या किया कि तीन साल स्कूल रहा और सब कुछ भूल गया, और तीन साल के दौरान मैंने जो है वो कारपेट जो वीविंग है या मेकिंग है वहाँ काम किया, खड्डियों में, कहते हैं खड्डियों में काम किया। और फिर यह है कि अब उस जमाने पे हमारा ट्रांसपोर्ट में कुछ एयर थे, तो गाँव में बसें चलती थी, उनको एयर होल्डर थे, तो बसों पे कंडक्टरी की, बस ड्राइविंग और ड्राइविंग भी की, और उसके बाद जो है फिर उसी दौरान आवारा गर्दी भी की, उससे पहले भी आवारा गर्दी की। और मुझे ये आज़ाद हासिल है कि गाँव का आवारा तरीन बच्चा मैं था। अच्छा, शायद ही मेरे से ज्यादा कोई आवारा हो, लेकिन यह है कि जब खुदा ने बुलाया बुलाहट आई, तो ये भी एक मेरा पढ़ने का एक अजीब सा क्या कह ले के एक बुलावा है कि मैं उस दौरान मेरी ड्यूटी होती थी, तो गाड़ी को स्टार्ट करके, बस को स्टार्ट करके छोड़ के आया और रास्ते में फिर जाना सीधा अपने वो जानवरों की देखभाल करने के लिए डेरे जाना, ठीक है। तो मैं इसी तरह जा रहा था, तो उस दिन स्कूल तीन साल बाद जो है ये जब मैं सब कुछ भूल गया था, तो तीन साल बाद मैं ऐसे स्कूल के पास चल रहा था, तो उस दिन जो है एग्जाम के बाद जो नए साल का पहला दिन था शुरुआत की, तो मैं उधर खड़ा होकर कोने में जैसे सोचता रहा, तो फिर मैंने जो है ना आखिर जो है पता नहीं मेरे में क्या एक लहर सी थी, तो मैं जो है वो उस वक्त क्या कह ले तो खानदार तार थी लगी हुई, तो उसको थोड़ा सा ऊपर करके स्कूल में चला गया और जाके क्लास नाइन्थ में जो है ना वो बैठ गया। तो वहाँ मुझे हेडमास्टर साहब मिले, जो है हेडमास्टर जी से पढ़वा, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने पढ़ना है, मैंने कहा हाँ जी मैंने पढ़ना है। तो
स्कूल चला गया, क्लास में बैठ गया, तो वहाँ बच्चे बैठे थे तो और भी थे उस क्लास के, तो वहाँ एक अपने ब्रदर एलवन का भाई, तो उससे मैंने कहा कि क्योंकि मुझे सिर्फ उर्दू पढ़ना आती थी जब मैं दोबारा स्कूल गया, और बड़ी जो इंग्लिश अल्फाबेट्स पे बड़े लेटर्स को लिखना आते थे, स्मॉल लेटर्स नहीं लिखना आते थे। तो मैंने उसे कहा यार मुझे स्मॉल लेटर्स लिख दो, और फिर जो है ना तो मैंने वहाँ उससे स्मॉल लेटर्स लिखवा के शुरू किया ये सिलसिला दोबारा। तो ये है कि फिर खुदा ने मेरी मदद की, रहनुमाई की, और मैं फिर जो है एजुकेशन में सफल, एजुकेशन की गाड़ी पे सवार हो गया। तो फिर मैंने जो है वो पढ़ना शुरू किया, नाम क्या कह ले कि दिलचस्पी लेकर, टाइम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। और यह है कि नाइन्थ में ही मुझे जो है मैं अपनी क्लास में से सेकंड आया, ठीक है। और फिर टेंथ में गया, और टेंथ में जो हमारे बच्चे थे जो लड़के लड़कों वाली साइड थी, तो लड़कों वाली साइड से सबसे ज़्यादा मेरे वो इतने डिवीजन आई, लेकिन लड़कों वाली साइड से जो था वो मैं सबसे ऊपर था, मेटल गाइडा फिर टाइम जो है ना रिजल्ट आया। तो जो हमारे साथ वो लड़कियाँ थी माशाल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे नंबर लिए, किसी एक ने 650, एक ने 700 के लगभग नंबर लिए। लेकिन फिर कॉलेज चले गए, कॉलेज लासाल में मौका मिला, तो लासाल में वहाँ मुझे अच्छा माहौल मिला, और यह दिलचस्पी थी और मुश्किल थी जो है मेरे लिए, लेकिन यह है कि मैं आगे बढ़ता रहा। यह है वहाँ एक मुझे टीचर मिले, आप कॉलेज में पढ़े हैं, तो प्रोफेसरों की जो प्रोफेसर साहबान हैं उनकी नसीहत सुनने वाली होती है, वो बड़ी अच्छी नसीहत होती है। वहाँ हमारे टीचर थे, उर्दू के टीचर थे, बहुत मशहूर शायर हैं मुल्तान के, उनका याद नहीं, ठीक है, वो नसीहत कर रहे थे और कहते थे बेटा मेहनत जहानत पैदा करती है, जहानत मेहनत पैदा नहीं करती। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उसी फील्ड में, उसी फील्ड में आप उतने ज्यादा जहीन होते जाओ। तो मैंने ना सिर्फ प्रोफेसर साहबान की नसीहतों को पल्ले बांधा, बल्कि कोई भी मुझे अपना बुजुर्ग जो नसीहत करते हैं उसको पल्ले बांधते था, उनकी नसीहतों के साय में आगे चलता रहा। और एक दिन आया कि मैंने जो है 88 में मैं BSc मैथमेटिक्स कर ली, और मुझे ये भी एहसास हासिल, उससे पहले हमारे गांव की एक बाजी थी, उन्होंने BSc की थी उसमें दूसरे साहब केमिस्ट्री बायो में, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में मैं पहला लड़का था जो अपने गांव से पहले थे, सही, अपने गांव पहले लड़का था जो जिसने जो है तो ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में की। और मैथमेटिक्स से मैं जब पहले था स्कूल में, स्कूल छोड़ने से पहले मैथमेटिक्स से मैं इतना डरता था कि जब मैथ का पीरियड आता था तो मैं क्लास से निकल के तो एक जाके दरख्त पे चढ़ जाता था, और जैसे मैथ का पीरियड खत्म होता तो मैं उतर कर जो है वो क्लास में आ जाता। तो एक दिन वो हमारे बहुत ही मोहतरम टीचर हैं उस्ताद सर अल्बर्ट गिल थे, खुदा उनका जन्नत नसीब करे, उनका एक्सीडेंट हो गया उसमें, वो उनसे बिछड़ गए। तो उन्होंने जो है वो एक लड़के को भेजा और वो मुझे उतार के लाया वो दरख्त से, ठीक है। तो मैं डरा हुआ आया तो
क्लास में उन्होंने मुझे जो है ना वो खड़ा कर लिया। पहले तो वो मुझे गाते रहे, मैं तुझे मारूंगा, ये करूंगा। फिर मुझे उन्होंने पकड़ कर सीने से लगाया और कहा कि आपको समझ आए या ना आए, आप तो करो या मैथ करो या ना करो, लेकिन क्लास में छोड़ो, आप इधर बैठ लो, ठीक है, मैं आपको मारूंगा, ठीक है। तो यह है कि मेरा हौसला बुलंद हुआ और मैं बैठा। और फिर 3 साल के बाद जब मैं फिर क्या, उस वक्त मुझे क्योंकि मैथ का जो मेरा सफर था वो यूँ समझे कि 9th-10th के मैथ से शुरू हुआ। उससे पहले पहला जो बेसिक नॉलेज था वो मेरा बिल्कुल ब्लैंक था, ठीक है। तो वो हमारे मैथ टीचर थे मास्टर मैनुअल करवाना, वो भी मास्टर जो है अल्बर्ट गिल के साथ, उनकी भी डेथ हो गई। तो वो कहने लगे कि आपको तो मैथ सबसे ज़्यादा समझ आएगी और आप बस मेरी बात पर अमल करें। मैंने कहा क्या, कहने लगे कि यह है कि जो एक्सरसाइज जो शुरू करता हूँ तो उससे पीछे जो चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, जो उनके बारे में, उस मेथड के बारे में जो चीज़ें होती हैं, आप उसको समझ आए या ना आए, आपने उसको पढ़ना है, ठीक है। और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, जो कोई भी एक्सरसाइज या चैप्टर से पहले इंट्रोडक्टरी या इंट्रोडक्शन जो होता था मैं उसको ज़रूर पढ़ता था विद एग्जांपल्स, और पढ़ के फिर एग्जांपल्स पर गौर करता। और यूँ पढ़ते पढ़ते एक दिन जो है क्या कहने के मेरे दिमाग ने उसको कबूल करना शुरू कर दिया और मुझे समझ आना। और फिर ये उसी चीज़ को मैं लेकर कॉलेज में, और कॉलेज में भी जो है मैंने उसी मेथड को जो है वो जारी और सारी रखा, और उसका शुक्र है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही निकला। सही, तो ये सब बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी, और खासतौर पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत मोटिवेशन है जो तालीम के मैदान में इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अगर वो मेहनत करें, उनको अच्छे उस्ताद मिल जाए तो वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं जो है वो इस वक्त आपने ये तालीम हासिल की और आप एजुकेशन की तरफ आए, तो ये तालीम तो हासिल की जैसे आपने, फिर एजुकेशन का शौक कैसे आया और तालीम में आपको पढ़ाने के लिए किसने इंस्पायर किया? ये है कि मैं जब गया गांव से जब निकला तो उस रात हम बैठे थे लाला चार जो है हमारे उनको जन्नत नसीब करे, तो कहने लगे तो गांव में मुझे जो है यूसुफ भट्टी के नाम से या यूसुफ अनवर के नाम से कम ही जानते हैं लोग, मुझे काले के नाम से जानते हैं। तो कहने लगा कि काले अगर आपने प्रदेश में कामयाब होना है ना, तो क्योंकि उधर आपके रिलेटिव वगैरह तो जहाँ मैं गया था रिलेटिव तो नहीं थे, लेकिन यह है कि गाँव के थे भजन मुख्तार साइमन, ठीक है। तो आपको आपने अगर कामयाब होना है तो आपको जो मिले ना वो जो है करना, और यूँ फिर जो है ना आप अपने उधर पाँव मजबूत करके फिर आपकी अपनी मर्जी कर लेना, जो आपको जिस शोभा अच्छा लगा उधर तो निकल जाना, लेकिन अपनी बेस पहले बना लेना, अपनी फाइनेंशियल बेस, क्योंकि फाइनेंशियल बेस जो है वो आपको पता ही हमारी कैसी होती है, ठीक है। तो बाद में मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो उनकी बात को मैंने पल्ले बांधा और फिर क्या सेंट मेरी स्कूल में हो, ये है कि उधर मैं गया तो वो जो प्रिंसिपल थे सर्किल तो मुझे कहने लगे कि देखो बेटे आप जो है जो भी प्रोफेशन अपनाओ उसमें ए टू जेड मास्टरी हासिल करो, और वही प्रोफेशन आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आप तमन्ना करते, ठीक है। तो मैंने उनकी नसीहत को पल्ले बांधा और जो मेरा सब्जेक्ट था क्योंकि उसमें मैंने मेहनत की और यूँ वो सब कुछ हासिल किया,
जिसकी मुझे तमन्ना थी, खुदा का शुक्र है खुदा ने बरकत दी, ठीक है। और फाइनेंशियल कंडीशन का मैं जिक्र कर रहा था, तो उसमें यह है कि जब मैं बीएससी का एग्जाम देकर आया तो रिजल्ट आने में देर थी, तो मैं गांव में ट्यूशन पढ़ाने लग गया। तो उस वक्त घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी फाइनेंशियल, तो उस वक्त जो उससे पहले भी मेरे वालिद साहब जो है वो दुकान थी, दुकान हमारी बार बार तबाह हो गया, और वालिद साहब जो है साइकिल पर सब्जी बेचते थे, ठीक है। तो साइकिल पर सब्जी बेच के लेकिन मैं उनकी दाद देता हूँ, तो साइकिल पर सब्जी बेच कर भी मेरी लिया कॉलेज में ट्यूशन के लिए मुझे कभी उन्होंने जो है वो, और मुल्तान में भी ट्यूशन के लिए मुझे उन्होंने कभी पैसे की कमी नहीं आने, ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरे खुदा का शुक्र है कि मेरे वो चचा जो डॉक्टर इमैनुअल हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। दूसरे चचा सोनू हैं जो टीचर हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, ठीक है। यूँ जो है, और गाँव से मैं जब आपको बता रहा हूँ कि मैं निकला तो ट्यूशन पढ़ा के मैंने क्या है कि 500 रुपया लेकर घर से निकला था, सही 500 रुपया लेकर घर से निकला, बाकी मैंने घर वालों को दे दिया खर्चा। और वो 500 रुपया खुदा ने इतनी बरकत दी उस 500 को कि वो मुझे कैनेडा तक ले आए। सही, तो टीचिंग में सर आपने जैसा कहा कि आप टीचिंग में से बसता है, टीचिंग में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन कौन सी यादें में बसता है, और कितना फखर महसूस करते हैं कि आपने जितना अरसा पढ़ाया वो एक जज्बे के साथ और ईमानदारी के साथ और सबसे बड़ा एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाया, तो कितना फखर महसूस करते हैं अपनी जिंदगी में हैसियत उस्ताद जो आपने काम किया है। बहुत सारे जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे उनकी जिंदगियों को आपने मुतासर किया और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में उनकी मदद की। यह है कि अपने टीचिंग करियर में मैंने ये है कि टीचिंग में यह है कि आप नेवर गो अनप्रिपेयर्ड टू योर क्लास, सही, ठीक है। तो मैं कभी अनप्रिपेयर्ड नहीं जाता था, तो प्रिपेयर होकर फिर यह है कि चाइल्ड साइकोलॉजी जो थी वो आपको पता है कि बीएड में पढ़ाई जाती है, ठीक है, वो उसका इस्तेमाल करता था। फिर जाके बच्चों को प्यार से कहीं डांट डपट भी होती थी, ठीक है, उनको डांट डपट भी देते थे। एक आध कुछ ऐसे थे वो जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जो डिसिप्लिन को खराब करते थे, तो थोड़ा करना पड़ता था। लेकिन ये है कि जब वो बच्चे हमसे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 10th क्लास के एग्जाम देने के लिए वो जाते थे, क्योंकि उसके बाद वो नहीं आते थे, तो उस दिन हम उनसे जो है वो बताते थे कि बेटे देखो जो कुछ हमने किया आपके भले के लिए किया, और जो हमने आप पे सख्ती की, ठीक है, वो एक जैली अक्स था, वो कोई हकीकत नहीं थी, क्योंकि हम आपको उसी तरह अपने दिल को जान से प्यार करते हैं जिस तरह अपनी औलाद को, अपने छोटे बहन भाइयों को, ठीक है। तो जो कुछ हमने किया आपके भले के लिए किया, ठीक है, उसमें हमारा भला नहीं था, तो उसके लिए अगर किसी को कुछ मैंने जाने अनजाने में कोई जो है गलत बात कह दी हो या ज़्यादा डांटा हो या जो है कि एक आध चपत लगा दी हो, तो उसके लिए मैं माजूर चाहता हूँ, ठीक है। तो बच्चे समझ जाते थे, गले मिलते थे, फिर रोते हुए जाने लगते थे, तो ये सर आपने जैसे अपने गांव के हवाले से भी बात की, तो गांव की तारीख के बारे में आप क्या जानते हैं और कैसा माहौल था, और आज का जो माहौल अगर आप गए हैं गाँव पे रिसेंटली, हमारी जिंदगी में चेंज हो चुकी है,
हमारे रहने का स्टाइल चेंज हो चुका है, लेकिन जो गांव का कल्चर था, जो रवायात थी, वो कितनी बदली है। वो काफी बदली, क्योंकि जब मैंने आंख खोली थी तो यह है कि हमारा स्कूल एस्टेब्लिश हो चुका था और काफी हॉस्टल दोनों चलते थे, लड़कियों का हॉस्टल लड़कों का हॉस्टल, और हमारे जो गांव में जो खेलों का इंतजाम था वो बड़ा अच्छा था। पीटी मास्टर जो थे वो 33 चक के थे, बाद में उनकी शादी हमारे गांव में हो गई, तो बड़ा अच्छा माहौल था। और हमारी टीम हर किस्म की, जो वॉलीबॉल की, कबड्डी की टीम और फुटबॉल टीम तो काफी थी। इवन स्काउटिंग का भी सिलसिला था हमारे गांव में जब मैं खोली। तो उसके बाद फिर जब नेशनलाइजेशन हुई तो उसमें फिर काफी जो है ना आ रहा, ये चीजें जो है हमारे स्कूल से निकल गई और फिर यूं जो है कह ले के हमारी नौजवान नस्ल की क्या कह ले के जिस्मानी और इखलाकी नशन हमारे, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव किस्म की एक्टिविटीज हैं, ये आप जिस्मानी तौर पर और दिमागी तौर पर जो है तो ग्रो करती हैं आपको, प्रदर्श करती हैं। बाकी फिर उसके बाद तो फिर वो हमने देखे जो है वो टीचर जो अंदर गालियां भी देते थे, ठीक है, जब वो स्कूल नेशनलाइज हो गया तो ये बात है। और ये है कि गांव का माहौल उस वक्त जो है वो बहुत सादा था। जब हमारे दादा का क्या कहते हैं कि हमारे दादा का जमाना, आपके दादा का जमाना, ठीक है, प्यार मोहब्बत थी, ठीक है, और खुदगर्जी नाम की कोई चीज नहीं थी, ठीक है, खुदगर्जी नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजरता गया तो खुदगर्जी जैसी चीजें भी जो है वो हमारे जो है वो माशरे में या गांव का हिस्सा और शायद आप भी हैं। और जो अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था लेग पुलिंग के जो है ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और हमें बिल्कुल वही जो है एक प्यार मोहब्बत वाला और इत्तेफाक वाला जो है वो माहौल। सेशन है हमारे, ये इसके दो मकसद मैं बयान करता चलूँगा। मेरा खास जो मकसद है वो गांव के जो हमारे लोग हैं उनकी जिंदगी के हवाले से भी उनको हाईलाइट करना और फिर गांव की तारीख के हवाले से है। तो आज भी जो मेरे गेस्ट हैं जनाब यूसुफ अकबर साहब, तो वो हमारे गांव से उनका ताल्लुक है और उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी बताई। और ये अगेन मैं मेरी जो जितने सेशन होते हैं मेरी कोशिश ही होती है कि संजीदा नौयत के जो मौजूदात हैं उन पर बात की जाए, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात की जाए, जो माशरे का आइडियाज हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं उन पर बात की जाए और ऐसे लोगों को सराहा जाए, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया जाए, उनसे राय ली जाए जिन्होंने जिंदगी का एक पिछड़ हिस्सा जो है वो लोगों की खिदमत में अपने शोबे में काम कराए। सर वेलकम बैक। और जैसे बात कर रहे थे गांव के हवाले से, तो आप क्या क्या समझते ओवरऑल हमारी जो कम्युनिटी है उसकी डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों की डेवलपमेंट के लिए क्या वो चीजें हैं जो हमारी कम्युनिटी में लैक करती हैं, और क्या वो फैक्टर्स हैं जिन पर काम करके हम हैसियत कम्युनिटी इम्प्रूव कर सकते हैं और माशी लिहाज से, मजहबी लिहाज से और समाजी लिहाज से हम माशरे का बेहतर तौर पर हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं गांव से काफी देर से निकला हुआ, कैसा जब माहौल चल रहा है, ठीक है, तो अब मुझे है कि सबसे मेन फैक्टर ये है कि हमें जो है तालीम में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए और ये है कि अपनी नई नस्ल को तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहिए। और मुझे ये आप जो है आपसे आपको देख करके आप अपने किताबों का एक अपने घर में लाइब्रेरी बनाई हुई है और किताबों से आपको देख
इतना मोहब्बत है। और किसी जो है किसी जो जब मैं उधर था मुझसे भी ऐसे था, मैंने भी करने लाया किताबें जो है वो इवन जो मेरे मतलब की भी नहीं होती थी बागत आती है कि जो मेरे जो भी खरीद लेता था। फिर यह है कि पिंडी जहाँ मैं रहता था राजा बाजार में मेरे घर के पास ही जो है वो इतवार को किताबों जो है वो सेल लगती थी, उसमें हम जाते थे उधर सब्जी वगैरह लेने, तो मैं रास्ते में किताबें भी देखता जाता था क्योंकि तो मुझे अच्छी लगती थी, मैं लेकर जो है कुछ खरीद लेता था। और यह है कि कुछ अपने मुझे मेरे जीवन की ये चाहिए होती थी अपने काम के सिलसिले में, तो वो तो मैं बुक स्टोर से जाके अगर वो महंगी भी होती थी तो दुकान ने मुझे ये तस्वीर दी थी कि मैं अफोर्ड कर सकता था और महंगी किताबें भी खरीद सकता था इस सब्जेक्ट के मतलब का, तो जो मैं खरीद कर भी पढ़ता था और सारी अपनी जो है किताबें पढ़ना यह है कि का शुक्र है मेरे पास टाइम है क्योंकि मैं एक रिटायर्ड कंपनी से आ रहा हूँ। अब मैं करता हूँ तो सबसे पहले ये काम ये देखें कि मेरे पास जो मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 साल पहले वो ब्रेन हेमरेज की वजह से जो है ये मेरे आपको इधर खट्टे नज़र आते होंगे, मेमोरी चली गई तो मेरा बिल्कुल वोकैबुलरी चली गई, आई साइट काफ़ी चली गई, ठीक है। तो ये देखें कि मैं अपनी जो है अपने नॉलेज को और ये अपने सारे इदम कल जो है ये देखे सारे वर्ड्स मीनिंग, ये वर्ड्स मीनिंग सारे तो मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह मैं अपने जो है अपना खोया हुआ जो नॉलेज है, अपनी खोई हुई जो वोकैबुलरी है उसको जो है वो गेन कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैंने दूसरे जो है ये जो मेरा ग्रामेटिकल नॉलेज हो गया था या दूर गया था उसका भी मैंने सिलसिला शुरू किया है, ठीक है। इसको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करके तो आगे अफी और इधर फिलालोजी और जो है एटमोलॉजी, ठीक है, वहाँ शुरू करके तो फिर मैं अपना इसको दोबारा से जो है वो ट्रैक पे ला रहा हूँ जैसा कि मेरे पास होता था, ठीक है, मेरे टीचिंग करियर के दौरान जो होते मेरे पास होता था। तो उनका शुक्र है कि आपने भी वो ट्रेनिंग हासिल की, हमने भी मौका मिला मूर्ति की, खुदा का शुक्र है कि जहाँ टीचिंग कोर्सेज में जो हिस्सा लेते थे तो उसमें काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे, बड़ी दिलचस्पी लेते थे और यह है कि थोड़ा नुमायाकार कर्तव्य का भी मुजाहरा करते थे। तो यह है कि मैं अगर इस तरह की ट्रेनिंग भी होती थी मुझे तो टॉपिक का पता होता था तो मैं घर से पढ़ कर जाता था, घर से पढ़ कर जाता था। तो यह है कि वो कहते हैं ना नेवर गो टू योर क्लास इफ यू आर अ टीचर, नेवर गो टू योर क्लास अनप्रिपेयर्ड। अगर इस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं तो घर से भी अगर आप पढ़ लेते हैं उससे मुतलक किताबें तो शायद आपको ज़्यादा समझ आती है। जी सर, अपनी जिंदगी के कोई ऐसा वाक्या जिससे आप बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत फख्र महसूस करते हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे? कोई ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी काम से जिंदगी है, और यह है कि मैंने क्या कह लें कि अपने पेशे के साथ और अपनी फैमिली के साथ मुहब्बत की, ठीक है, उन्होंने मुझे ठीक है संभाले रखा। मैं सबसे पहले ये कि उनके अपने बुजुर्गों का जो मेरे वालिद, ठीक है, और दादा पर दादा, ये जो 3 पीढ़ियां थी मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये है कि मैंने जैसा बताया कि मेरी ज़िंदगी और मेरे साथ काफ़ी क्या कह लें कि फादर इसहाक की बात मैंने आपसे कहा था जो है ना, फादर इसहाक और मैं और दूसरे गांव के लोग जो बच्चे जो थे वो, तो वो यह है कि लोगों के जाके इन दिनों में लोगों के जाके वो आम तो हमारे अपने ही होते थे गांव में, तो लोगों के जो है तरबूज वगैरह चोरी करना, तो एक मरतबा
चोरी करने के लिए आपके उधर चले गए, ठीक है, तो चोरी किए, तो जो आपके आपके अब्बू भी उसमें शामिल है, आपके अब्बू और जो दूसरे वो जो डेरों वाले थे ना, उन्होंने देखा कि ये आज इस साइड से यानी चढ़ते मल्ले तो लेते मल्ले मुंडे दुआने तोड़ने आए ने, ठीक है, फिर ये क्या कह रहे जो है ये आपके अब्बू भी थे, इन्होंने पकड़ लिया और मैं और दो दो तीन और थे वो भाग आए, ठीक है, और इनको पकड़ के उन्होंने जो है क्या किया कि सजा ये मुकर्रर हुई भाई ये एक दिन उनके जो है ना वो उस दिन उनके जानवरों को जो है ना पट्टे डालेंगे, ये सजा उनके लिए मुकर्रर हुई, तो लेकिन मैं तो भाग आया, तो उसके बाद फिर ये गांव की जिंदगी का हिस्सा पकड़े गए, वो मुझे आके घर में कहा देते रहे कि तू तेरा फिटे मुँह तू हमें पकड़वा के तो खुद भाग आया। तालीम का तो बेसिक किरदार है किसी भी कौम की तरक्की के लिए, ठीक है, किसी भी फैमिली की तरक्की के लिए ये बेसिक किरदार है, और खुदा का शुक्र है कि हमारी फैमिली शुरू से इवन 70s इवन 60s से जो है ना एजुकेशन में जो है वो काफ़ी नुमाया थी, और जो है क्योंकि मेरे दादा जो थे वो जब सियालकोट में थे तो वो किसी कारखाने में काम करते थे, ठीक है, ये फुटबॉल वगैरह सीने का ना, सही, तो वहाँ जिस में काम करते थे तो वो उसका जो मालिक था वो गंडा सिंह के क्या था वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, तो उसके बच्चों को वो देख कर के वो जब आते थे तो किस तरह नौकर उनको जो है वो खाना खिलाते थे, किस तरह वो अच्छी ज़िंदगी, तो मेरे दादा ने भी कहा कि मैंने भी अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना है, तो मेरे दादा फिर ये है कि गांव में उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान दिया, तो यह है कि उसमें हमारे एक ही चचा जो है वो नहीं पढ़े, जो चचा वो निशान है गांव में, ठीक है, तो बाकी सारे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, और यह है कि मेरी पुतियाँ, ठीक है, मेरा चाचा, ठीक है, और मेरे वालिद साहब ने भी जो है वो इवन जब हम पैदा हुए तो उसके बाद उन्होंने जो है जो अपना पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया, और वो भी जो है वो पढ़े, और ये है कि जो कुछ वो कर सकते हासिल कर सकते थे उन्होंने किया, और ये है कि हम अपने वालिद ही की बदौलत है कि आज इधर बैठे हुए हैं, इवन वो उधर गांव में भी वो मेहनत करते रहे, जैसा कि मैंने बताया कि साइकिल पर सब्जी बेचना, रेड़ी पर सब्जी बेचना, यानी कि हलाल तरीके से रोजी कमाने के किसी भी तरीके से वो शर्म नहीं महसूस करते थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने जो है हलाल तरीके से जो है वो खबर साइकिल पे सब्जी बेची है या रेड़ी पे, तो हमें जो है वो एजुकेशन में हमारा कहीं जो है वो गाड़ी रुकने नहीं दी, ठीक है, और फिर खुदा उनको कनाडा ले आया, और इधर भी उन्होंने काफ़ी मेहनत का की, और ये है कि खुदा का शुक्र है कि आज हम सारे बहन भाई जो हैं वो कनाडा और अमेरिका में बैठे हुए सारे जो है, तो ये है इधर आके फिर हमने अपने जो दूसरे करीबी जो थे हमारे उनको भी किया, और काफ़ी जो हैं वो हमारे जो हमारी फूफी की तरफ से हैं, फूफियों की तरफ से जो है, और ये है कि हमारे जो चचा हैं उनकी तरफ से जो हैं वो सारे कनाडा में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, और ये है कि अब खुदा उनको और बरकत है, और वो जिस तरह हमने जो है वो लोगों का कुछ वसीला बने, वो अपने भी दूसरे लोगों का भी वसीला बने, और ये है कि लोगों को जो है वो अच्छे अच्छी जगह पर पुल करें, ठीक है, जहाँ अच्छा मेयारे ज़िंदगी है वहाँ उनको पुल करें और वहाँ तक पहुँचाएँ, ठीक है। सर मेरा जो है वो आखिरी सवाल होगा ये आपसे, क्या पैगाम है? जी जी मेरा आपसे सवाल होगा मेरा कि गांव के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उनके बच्चों को के एजुकेशन पर ध्यान दें, और यह है कि रिसर्च करें, और यह है कि कोशिश करें, ठीक है,
क्योंकि ख्वाहिश नहीं करेंगे तो आप जो है वो, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है इवन 70s में ही जो है वो सब्जी बेचते हुए, दुकानदारी करते हुए, ठीक है, वो जो इस तरह के यूरोप अमेरिका से लोग आते थे तो उनसे इंफॉर्मेशन लेते रहते थे, ठीक है, और उनकी बड़ी तांग थी कि जो है उनके बच्चे जो है वो जो है इस तरह यूरोप अमेरिका वगैरह कनाडा वगैरह में जो है वो, तो ये उनकी क्या कह लें कि एक मुखलिस ख्वाहिश खुदा को बहुत पसंद आई और उसने जो है उसके मुताबिक जो है मेरे वालिद साहब को तगो दो पर जो है क्या कह लें कि रहनमाई की, और वो जो है वो मेरे भाई के बड़े भाई के बाद वो आए, और वो मेरे वालिद साहब ने फिर जो है इधर आके भी जो जो मेहनत वो उधर करते थे वही मेहनत उन्होंने इधर आके भी की, काफ़ी मेहनत की, ठीक है, जो वो कर सकते थे हलाल काम, ठीक है, अपना यानी कि फिजिकल वर्क तो उन्होंने किया, ठीक है, और हम बहन भाइयों को जो है जो है इतना पैसा छोड़ गए थे कि जो है हमें हम बहन भाइयों को प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, इधर आके कमा के इवन उधर पढ़ाया भी, हमारा खर्चा भी किया, और इधर आके भी जो है उन्होंने इतना पैसा कमाया कि हम बहन भाइयों को कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, आपकी सारी गुफ्तगू का, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया, और कुछ इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू भी था जो जिसकी वजह से जो है वो थोड़ी हमारे रास्ते में ऐसा कनेक्शन की वजह से वॉइस क्लियर नहीं आ सकी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त दिया और अपनी ज़िंदगी की इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर की, और बहुत सारे नौजवानों के लिए खास तौर पर नरेटो चक के बहुत सारे लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी एक मोटिवेशन है, आपकी ज़िंदगी जो है वो उनके लिए एक रोशन मिसाल है कि इंसान अगर जब मेहनत करता है, जदोजहद करता है, यकीन के साथ, भरोसे के साथ, और सबसे बढ़कर खलूस के साथ, नियत के साथ, तो खुदा उसका सिला ज़रूर देता है। और आज भी जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उन सब के लिए ये पैगाम है जनाब यूसुफ अनवर की ज़िंदगी से कि अगर आप ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, जस्तजू के साथ है, अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो कुदरत आपको इसका सिला जरूर देती है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत शुक्रिया आपका है याद बेटे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हाफिज़, ओके, थैंक यू।